Hi guys, we are going to remind the November months. First is 14th November, Diabetes Day. ये दिन डायबिटीज को बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है 14 नवंबर। उसके बाद 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के रूप को मनाया जाता है। इससे पहले चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है, हमने 2021 में सबसे पहला फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस मनाया। इस दिन ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये दिन मेनली टॉलरेंस के रूप में मनाया जाता है कि हम अपने हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है या टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं। ये डे मेनली महात्मा गांधी को डेडिकेटेड है, महात्मा गांधी जी को लेकर ये दिन मनाया गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एपिलेसी डे। ये मेन प्रकार के, इसकी हिंदी में एक प्रकार का मिर्गी कहते हैं, ये नेशनल मिर्गी दिवस भी कह सकते हैं। इसमें मिर्गी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, उसे कैसे बचाव किया जाता है, कैसे उसे ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड COPD डे। ये मेनली हमारे लंग्स को डेडिकेटेड डे है कि हम अपने लंग्स की कैसे सुरक्षा करें, कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे उसको साफ हवा दे सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर मंथ मनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरोपैथी डे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मनाया जाता है। इसमें नेचुरल चीज़ों के लेके हमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हम कैसे नेचुरल मेडिसिन के थ्रू अपने को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन सभी के थीम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लीज़ आप उन्हें एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।